अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक होंगे उम्मीद है। तो भैया आपका यूके में पहुंच चुका है, अभी जो है मैं फैसले में हूँ, स्कॉटलैंड में। तो लास्ट 3-4 दिन पहले मैं पहुंचा था न्यूकासल, न्यूकासल से फिर अभी हम पहुंचे हैं फैसले, यहाँ पर रूम लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको ना व्यू दिखाता हूँ, जो क्या मज़े की जगह है यार। तो सबसे पहले आप ये व्यू देखें ज़रा। ये है जी फैसले का सेंट जेम्स रोड। तो सेंट जेम्स से आगे हम इस तरफ जा रहे हैं। तो अभी निकला था मैं कि ज़रा जहाँ पर रह रहे हैं उस टाउन को देखा जाए, ज़रा जॉब शॉप देखी जाए, ज़रा घूमा फिरा जाए, पहले तक मोड़े ना पाए थो। तो आज जो है ये मेरा थर्ड डे है। पहले ज़रा घर की सेटिंग में लगे हुए थे कि ग्रॉसरी क्या थी, डिफरेंट चीज़ें थी। अच्छा, तो ये एक ब्रिज है ये वाला, इस पे जो है ना स्कॉट रेल जो है ना यहाँ पर नज़दीक ही स्टेशन है ग्लासगो सेंट्रल, वहाँ से जो है ये स्कॉट रेल आती है। और बहुत मज़े की जगह है, फैसले जगह का नाम है। और यहाँ पर नेक्स्ट वीक में शायद स्नोफॉल की भी है, शायद स्नोफॉल भी यहाँ पे स्नोफॉल होती है, एग्जैक्टली होती है। तो आज जुमेरात है। ये एक ब्रिज है, ये कार वॉश है, और इस ब्रिज के ऊपर से जी स्कॉट रेल गुजरती है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर अगर हमारे होते हुए ट्रेन गुजरती है तो आपको ट्रेन भी दिखाता हूँ। ब्रिज की दूसरी साइड पे है, ये है जी वो ब्रिज, और ये है जी नज़ारा। अभी हेलोवीन आने वाली है तो दूसरे टाउन में भी जाएंगे तो मैं आपको वहाँ की भी वीडियो दिखाऊंगा। वहाँ पर ना झूले वगैरह और बहुत सारी चीज़ें ट्विस्टर वगैरह उन्होंने ला के सजा दी हैं, तो वो हेलोवीन पे जो है वो इनका जो भी है सिस्टम वहाँ पर ये उसको मनाएंगे और बच्चों को इन्जॉय करवाएंगे। पास ही है टाउन के रूम की बैक साइड पर है, वो भी आपको दिखाऊँगा। स्कॉट रेल हेलो जी, ए व्यू है। चलो आगे चलते हैं। अब मौसम बहुत मज़े का है इधर, डेली मौसम ऐसा ही होता है, एक दिन नहीं रोज़ाना मौसम यही होता है यहाँ पे। तो ये है जी भाई आपका घूम फिर रहा है फैसले स्कॉटलैंड। हाय हाय, क्या खूबसूरत कंट्री है यार, मज़ा आ गया कसम से। देखो ना यार, और हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं यहाँ, बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। तो ये एक छोटा सा टाउन है यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे क्या ज़्यादा है। मुझे ये ना कोई वेयर हाउस या पार्किंग वगैरह लग रही है। ए जी स्कॉटलैंड, ठंडियाँ हवावां थे मज़े। ये जी व्यू देखो, ओए होए होए, बहुत साफ़ सुथरा मुल्क है भाई। आलो जी आलो, व्यू देखो। ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, ठंड नॉर्मली है, लेकिन ये जो बादल है ना इन्होंने बस नज़ारा बना दिया है। गाड़ी जो है आपको टेस्ला, रेंज रोवर, BMW, ये गाड़ियाँ इधर कोई इतनी महंगी शंगी नहीं है। ये टेस्ला खड़ी है जी अपनी, तो इनके लिए ये जो है ना ये लग्जरी नहीं है, गाड़ी जो है ज़रूरत है यहाँ पे। बाइक्स वगैरह जो हैं वो लग्जरी आइटम्स आते हैं, लेकिन गाड़ी जो है वो बेसिक नीड है यहाँ पे। अखलौतियाँ ने थोड़े सामने पीछे टेस्ला खड़ी सी है, रेंज रोवर खड़ी है, नॉर्मल ये चीज़ें इतने नॉर्मल ने। अब BMW खड़ी है, जीप खड़ी, तो अमीर मुल्क है, गरीब नहीं है। बाकी अच्छा हैलोवीन की वजह से ना, हैलोवीन है नज़दीक, तो यह देखो जी हर किसी ने अपनी शॉप्स में इस तरह डेकोर किया हुआ वा। बाकी हम आप चलते हैं अगे। अभी मैं थोड़ा और आगे जा रहा हूँ, तो घूमते घूमते ज़रा वॉक कर रहा था, मैंने कहा ज़रा आप लोगों को भी दिखा दूँ कि स्कॉटलैंड कैसा है।
तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोग रिव्यूज देख के आप लोगों को कैसा फील हो रहा, बताना तो पड़ेगा। बाकी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनसे रब्ता नहीं हो पा रहा, उनको मेरा बहुत सारा सलाम, मेरे साथ वो मेरे चैनल पर कनेक्टेड है, तो मैं इंशाल्लाह आप चैनल को दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, तो इंशाल्लाह मिलते रहा करेंगे।